सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज़ ए के एंड यू आर वॉचिंग ए के वाई टी। तो यार, आज हम बात करने वाले हैं BGMI में आने वाले M7 और M8 के 50 RP आउटफिट्स के बारे में और कुछ इमोट्स के बारे में जिनके टेक्सचर्स रिवील हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे अपने टीयर रिवॉर्ड, जो कि हमें यहाँ पे सिल्वर टीयर पे जो मिलेगा वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ हेड गियर टाइप में, या फिर इसे आप क्लासेस कह सकते हैं, कि हमें सिल्वर टीयर पे मिलेगा। बहुत ही आसानी से मिल जाएगा यार, अच्छा लग रहा है। ये गोल्ड टीयर पे आउटफिट हमें मिलेगा, ये इसका लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये गोल्ड टीयर पे हमें बहुत ही ईजिली मिल जाएगा 5 मैचेस के बाद। और जो यहाँ पे एस पे पैराशूट मिलता था, वो हमें इस बार प्लैटिनम टीयर पे मिलेगा। मतलब अब पैराशूट के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं किसी को। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो डायमंड टीयर पे है, डायमंड टीयर पे हमें मिलने वाली है MK14 की गन स्किन। ये यहाँ पे इसके देखिए आप, पूरा का पूरा टेक्सचर आ चुका है MK14 के। एक बार हमें यहाँ पे स्किन सीजन 14 में देखने को मिली थी। और डायमंड टीयर के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा एस टीयर पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मास्क लग रहा है, गोल्डन कलर का उसी आउटफिट के ऊपर का मास्क है। और यहाँ पे हमें एस मास्टर पे, मतलब ये हेयर स्टाइल मिलेंगे क्योंकि हेड गियर ही टाइप का होगा, पर ये हमें एस मास्टर मिलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो एस डोमिनेटर और एस डोमिनेटर का जो हमारे यहाँ पे फ्रेम होने वाला है, और यहाँ पे कॉन्क्रोट फ्रेम होने वाला है C1S4 का, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये भी देखने में। तो यार, ये हमारी लॉबी कुछ इस तरह चेंज हो जाएगी कि पूरी की पूरी लॉबी ही चेंज कर दी है, मतलब सारे, मतलब सब चेंज हो गया। ये हमारा है 50 RP का आउटफिट जो कि M7 में आने वाला है। इसका लुक देखिए भाई, ब्लू और गोल्डन कलर में जो इसका लुक आ रहा है, और जो पर्पल लाइट दिख रही है यहाँ पे घोड़े में, वो बहुत अच्छा लग रहा है। घोड़े की तो हमारी कोई स्किन आने वाली है नहीं, तो ये मतलब ऐसे ही दे दिया गया है, मतलब लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ मतलब हो। बाकी ये बहुत ही अच्छा आउटफिट लग रहा है, और एकदम मिथिक आउटफिट है, और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ M8 का जो आने वाला है आप यहाँ पे RP आउटफिट, उसकी भी लुक आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यार, ये हमारा जो है M8 का जो मिथिक आउटफिट है, तो यार ये तो ऐसा लग रहा है जो लड़कियों के लिए बना दिया है, बाकी भी कुछ कन्फर्म नहीं है। वैसे हमारे M8 का यहाँ पे हो सकता है ये मिथिक आउटफिट जो हमें 50 RP में मिले। और इसके अलावा अभी तक और कुछ इसका पूरा आया है नहीं, अगर आएगा मैं आपको जल्दी दिखा दूँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ इमोट दिखा देता हूँ जो कि इस बारी रॉयल पास में आने वाले हैं M7 और M8 को मिला के। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे इमोट मिले हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे इमोट्स आए हुए इस बारी। तो ये देखिए आप, यहाँ पे आर्चरी डांस, इसका मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे गेम फॉर पीस चाइनीज़ PUBG है, आपको पता होगा वहाँ पे ये लीक हो चुका है। तो ये इसका इमोट आप देख लीजिए, उसके बाद यार आपको देखने को मिलेगा स्टॉर्म ग्राउंड, इसका इमोट भी हमारा लीक हो चुका है, जो कि गेम फॉर पीस में बहुत ही अच्छा इमोट है यार, ये तो फनी सा डांस है, इसका भी आप पूरा देख लीजिए। बहुत बड़ा इमोट है यार ये तो, ये भी एक नया इमोट है, ये सोचता है किसी टाइप का आउटफिट के साथ आया, तो कुछ अभी किसका कंफर्म नहीं है, आप कुछ कह सकते, क्योंकि ये अभी गेम फॉर पीस में है, तो BGMI में आने में पता नहीं कितना टाइम लगे। और ये देखिए कुछ नए नए इमोट्स हैं इस बारी, आप सब देख लीजिए। Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. उसके बाद एक आपको देखने के लिए प्रोजेक्ट आइडल, ये भी इमोट हमारे लीक हो चुका है, और ये भी कुछ खास नहीं है। बाकी इमोट्स के मामले में इस बार BGMI बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कि हमारे इमोट्स अब कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इमोट्स हैं जिनके अभी टेक्सचर्स रिवील हुए नहीं है, ये वही इमोट्स अभी जो मैंने आपको दिखाए, लेकिन कुछ के अभी नहीं हुए डिसलेक्ट, जैसे ये हुआ नहीं है। स्टॉर्म ग्राउंड मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ पे Bash 9, इसका असली नाम Bash 9 है नहीं, वैसे बीटा वर्जन में दिखाया है Bash 9, पर ये Bash 9 है नहीं। तो जैसे ऐसे और टेक्सचर्स आएंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा उस सबको। राइजिंग स्टार, ये भी इसका अभी हमें दिखा नहीं है। प्रोजेक्ट आइडल मैंने आपको भी दिखाया था अभी, और शो टाइम ये मैं अभी, ये इसके टेक्सचर्स नहीं आए, डिस्को पार्टी के भी टेक्सचर्स नहीं आए। ये कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, पर ये मोड देखने में तो अच्छा ही लगेगा, इसके मैंने आपको दिखा दिए, अभी कुछ चाइनीज़ में ही लिखा है। तो ये हमारा नया कंपेनियन ओनर है कैथी, जो कि गेम में आने वाला है वर्जन 1.8 में,
तो ये भी आप देख लीजिए, ये आप नेड, इसकी नेड जैसी स्किन भी आएगी आपको देखने को मिलेगी बहुत ही जल्दी। ये हमारे एक नया अवतार फ्रेम आने वाला है, विंटेज पावर अवतार, ड्रीम रैंचर अवतार और मेजर ग्रूम अवतार, ये कोलैबोरेशन हो रही है इन सब की बीजीएमआई में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रमोशन के लिए ऐड हुए हैं ये सब। बाकी ये आपको यहाँ पे आरपी क्रेड देखने को मिलेगी, ये हमें देखने को मिलेगी M7 के अंदर, सीजन 16 का आरपी आउटफिट है, मिथिक आउटफिट, और ये पूरी आरपी क्रेड आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसमें जो आपका सामान अगर आपने लिया होगा तो ये आपके पास सारा ही होगा, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, ये अगर आपको ये चाहिए होगा, जिसके पास नहीं होगा तो वो इस बार ये आरपी क्रेड खरीद सकता है। इस कारल की स्किन भी बहुत अच्छी लग रही है वैसे, यहाँ पे बैकपैक का जो सी, ये बैकपैक भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये देखिए, लेकिन यार इसके बहुत डिसएडवांटेज भी हैं। यहाँ पे सीजन 15 का आउटफिट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये AKMP गन स्किन भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही है वैसे। इस आरपी ब्रिगेड में आपको डासिया की स्किन भी देखने को मिलेगी, अगर आपको कोई गाड़ी की स्किन, जैसे डीजे में वाले इतने अच्छे हैं तो नहीं कि हमें दे देंगे, पर कोशिश करने में आपको मिल भी सकती है, मुझे तो आज तक नहीं मिली भाई। लेकिन की स्किन बहुत अच्छी लगती है ऐसे गोल्डन कलर में। तो यार यही थे कुछ हमारे मेजर लीक्स जो आए थे, तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले।